हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। मैं महापाल स्वागत करती हूँ आज आपके अपने चैनल खसोई में नई क्लासेस में। गाइस, आज का जो वीडियो है वो है एक बहुत ही खास टॉपिक का। जो हमारा टॉपिक है सीक्वेंस ऑफ सेंटेंसेस, कार्यों का अनुक्रम। तो यहाँ पर मैं इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, या फिर बोलूँ इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले, मैं आप सभी लोगों से कहना चाहूँगी इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखना। इसमें आप लोगों के बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद वाली बात है। अब इसका रीज़न ये है, ये वीडियो आप लोगों को क्यों देखनी चाहिए, ठीक है। बात यहाँ पर ये है, ये वीडियो आप लोगों को क्यों देखनी चाहिए। तो यहाँ पर इसके फायदे हैं, अगर मैं गिनाने बैठ जाऊँ ना तो गिनाती ही रहूंगी। तो यहाँ पे फिलहाल देख लेते हैं इसके जो मेन पॉइंट है क्या। यहाँ पहले तो चीज ये है, बच्चों की जो स्टोरी राइटिंग की प्रॉब्लम होती है, बच्चे बोलते हैं हमें इंग्लिश से यानी हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन से नहीं आती है, इंग्लिश से हिंदी कन्वर्ट करना नहीं आता, हमें इंग्लिश पढ़ना नहीं आता, उसका सेंस निकालना नहीं आता है। तो वो सब कुछ आज यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। ट्वेल्थ वाले बच्चों में अब तो हिंदी से इंग्लिश नहीं आती है, इंग्लिश वो इंग्लिश से हिंदी वाली नहीं आती, हिंदी से इंग्लिश वाली आती है, 10 नंबर की आती है। देखो यहाँ पर उससे भी वो इसी क्लियर हो जाएगी। और दूसरी बात है, टेंथ वाले जो स्टूडेंट उनकी भी स्टोरी आती है, तो स्टोरी करने के लिए ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब दूसरा इसका जो प्रॉफिट है वो क्या है, आप लोगों को डायरेक्ट इनडायरेक्ट आते हैं कि नहीं आते हैं, यानी डायरेक्ट डायरेक्ट सभी के सिलेबस में है भाई, जो भी इंग्लिश से पढ़ रहे हैं सभी के सिलेबस में डायरेक्ट डायरेक्ट आते ही रहते हैं। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट अगर जिस बच्चे ने ये सीक्वेंस ऑफ सेंटेंस अगर क्लियर कर लिया, तो मैं दावे के साथ 100% श्योर तरीके से बोलती हूँ कि उस बच्चे को डायरेक्ट डायरेक्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि जहाँ पर ये बहुत ही इजी पैटर्न से बताया जाता है, अगर ये वाकई में क्लियर हो गए ना, तो आप लोगों को अगर भूलना भी चाहोगे ना फिर भी कभी नहीं भूल पाओगे। यानी सोते टाइम में कोई पूछेगा ना, आप लोग तुरंत झट से उसका आंसर दोगे, क्योंकि यहाँ पर बात रटने वाली नहीं, बात होगी समझने वाली, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ में आ रही होगी मैं क्या कहना चाह रही हूँ। और अगर आप चैनल पर नए आए हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ, देखते हैं हमारा टॉपिक है सीक्वेंस ऑफ सेंटेंसेस, कालों का अनुक्रम। कालों का अनुक्रम यानी सीक्वेंस है क्या, सीक्वेंस ऑफ सेंटेंस क्या है, यानी इसका यूज क्यों होता है। तो वह सिद्धांत जिसके अंतर्गत सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉज की वर्ब प्रिंसिपल क्लॉज की वर्ब पर निर्भर रहती है वहां पर, तो उस सिद्धांत को हम बोलते हैं क्या, सीक्वेंस ऑफ सेंटेंसेस। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जो ये दो पॉइंट समझ लो, यहाँ पे कौन से हैं ये दो पॉइंट, इन्हें सीक्वेंस ऑफ सेंटेंस क्लियर करने के लिए पहले हमें ये दो पॉइंट क्लियर करने पड़ेंगे। होता है प्रिंसिपल क्लॉज, सब ऑर्डिनेटिव क्लॉज। तो ये क्या है, प्रिंसिपल क्लॉज मीन्स होता है क्या, प्रधान उपवाक्य। कौन सा वाक्य, देखो क्लॉज मीन्स होता है उपवाक्य, यानी जब दो तीन उपवाक्यों से मिलकर क्या बनता है, हमारा वाक्य बनता है। तो यहाँ पर ये क्लॉज है उपवाक्य है, प्रिंसिपल क्लॉज यानी प्रधान उपवाक्य, और सबऑर्डिनेट क्लॉज कौन सा होता है, हमारा आश्रित उपवाक्य। तो प्रिंसिपल क्लॉज तो भाई प्रधान उपवाक्य, मुख्य है वाक्य का, वाक्य का वह वाक्य जो मुख्य भूमिका निभाता है, ठीक है। यानी सबऑर्डिनेट क्लॉज किस पर डिपेंड रहती है, हमारे मुख्य वाक्य पर डिपेंड रहती है। फॉर एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, यहाँ पर ये हमारा पास सेंटेंस दिया हुआ है। अब देखते हैं यहाँ प्रिंसिपल क्लॉज कौन सी है और सबऑर्डिनेट क्लॉज कौन सी है। यहाँ पर मैं ये चीज क्यों आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, उसका रीजन ये है, अगर आप लोगों ने प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज नहीं क्लियर किए हैं, तो आप लोग ये वाला चैप्टर, ये वाला कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले कि हमारे प्रिंसिपल क्लॉज और यहाँ पे सबऑर्डिनेट क्लॉज कौन सी है। तो अशोक सुरेश कहता है कि वह एक पत्र लिख रहा है, तो भाई इसमें मेन काम क्या हुआ है। तो मेन काम देखो, ये दो काम हुए हैं, वाक्य यानी उपवाक्य किसमें, इसमें कार्य कितने हुए, कितने कथन स्वीकार किए जा रहे हैं, इसमें दो, कौन कौन से, सुरेश, एक तो सुरेश कह रहा है, दूसरा कौन है कि वह एक पत्र लिख रहा है। सुरेश कह रहा कहता है वह एक पत्र लिख रहा है, इसमें दो कार्य, तो सुरेश ने कहा है, दूसरा क्या कहा उसने, वह एक पत्र लिख रहा है। तो दो उपवाक्य हो गए, इन दोनों को कौन जोड़ रहा है हमारा के, तो यही है हमारा कंजक्शन, कंडक्टर है जोड़ने वाला। अब कनेक्टर है ये जोड़ने वाला। अब बात करते हैं सुरेश कहता है, एक तो हमारा ये क्लॉज हो गई, दूसरी क्लॉज हमारे पास कौन सी है, वह एक पत्र लिखता है, ठीक है। हमारे पास एक प्रिंसिपल क्लॉज हमें मिल गई, एक मिल गई हमें सबऑर्डिनेटिव क्लॉज। अब बात आती है हम कैसे पहचाने हैं कि हमारी प्रिंसिपल क्लॉज कौन सी है और सबऑर्डिनेटिव क्लॉज कौन सी है। तो पहले तो यहाँ आप ही लोग डिसाइड करिए, मैं नहीं बताऊंगी, आप लोग खुद ही बताओगे। यहाँ पे देखो सुरेश कहता है, मैंने अभी क्या बोला, प्रिंसिपल क्लॉज मीन्स होता है प्रधान उपवाक्य, जो मुख्य है वाक्य में। अब देखते हैं सुरेश कहता है, तो मेन काम यहाँ पर ये है कि सुरेश ने कहा है, क्यों भाई, सुरेश कुछ भी कह सकता है ना,
वहां एक पत्र लिख रहा है। ये जो बात है ना किस पे डिपेंड है? सुरेश के कहने पर। अगर वो कहेगा तभी तो ये बात निकलेगी भाई। इसकी जगह वो पत्र की जगह वो खाना, वो बोल सकता है कि मैं खाना खा रहा हूँ, मैं पाठ याद कर रहा हूँ, कुछ भी बोल सकता है ना। लेकिन बोल कौन रहा है? सुरेश। तो यहाँ पर जो मेन उपवाक्य है वो है सुरेश कहता है। यही हमारे प्रिंसिपल क्लॉज। ये वाक्य, ये उपवाक्य जो है इस पर डिपेंड है, इसलिए ये कौन सा है? सबऑर्डिनेटिव क्लॉज। ठीक है, समझ में आ गया हो? ये कौन सी हमारी प्रिंसिपल क्लॉज है? ये है हमारी कौन सी? सबऑर्डिनेटिव क्लॉज। क्लियर है ना? अब देखते हैं, बात आती है ये कि सीक्वेंस ऑफ सेंटेंसेस के रूल क्या है। बढ़ते हैं अब इनके रूल की तरफ। तो इसका फर्स्ट रूल होता है, यहाँ पर मैं आपको बार बार बता रही हूँ, प्रिंसिपल क्लॉज सबऑर्डिनेट क्लॉज अच्छे से क्लियर कर लेना, क्योंकि आप लोगों को अगर ये क्लियर नहीं हुए ना तो मैं कितने भी अच्छे तरीके से आप लोगों को समझा दूँ बिल्कुल भी समझ में नहीं आने वाला है। और ये टॉपिक आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट रूल क्या है? तो यहाँ पर फर्स्ट रूल ये है कि यदि हमारे प्रिंसिपल क्लॉज की वर्ब, वर्ब मीन्स पहले यहाँ पे वर्ब देख लेते हैं, एक चीज क्लियर करते हैं यहाँ पे वो भी देखो। सो ये हमारा एक सेंटेंस है, सेंटेंस ही बन गया भाई, अलग है, लेकिन यहाँ ये क्या है? क्लॉज है, एक उपवाक्य है। सुरेश कहता है, तो सुरेश कहने का कार्य किसने किया भाई? कहने का कार्य किया किसने? सुरेश ने। तो यहाँ पे ये सुरेश है, ये क्या हमारा डूअर है, करने वाला है, बोलने वाला है, तो यहाँ पर ये सब्जेक्ट है। वो कर क्या रहा है भाई? कह रहा है, तो कहने का काम कर रहा है ना। तो ये जो है वो क्या है? हमारी वर्ब है। क्या है हमारी वर्ब? ये क्या हमारा? सब्जेक्ट है। टेंस कौन सा हमारा? ता है, ती है, ते है। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट है ना, क्या? तो यही वर्ब है। हमें वर्ब कैसे पहचाननी है? वर्ब प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर में होती है। कितने फॉर्म में होती है वर्ब? प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। फिलहाल तो यहाँ पे तीन ही होती है। अब देख लेते हैं यहाँ पे, अब रूल क्या कहाँ से निकल रहा था, कैसे बनता है? यदि प्रिंसिपल क्लॉज प्रेजेंट टेंस में हो, किसमें हो? प्रिंसिपल क्लॉज की वर्ब प्रेजेंट टेंस में हो, तो सब ऑर्डिनेटिव क्लॉज जिसमें होती है उसकी वर्ब उसी में बनी रहती है। कहने का मीन्स ये है, जब हम इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो यदि ये हमारे प्रेजेंट में है तो इधर का वाक्य जैसा है वह वैसा का वैसा रहता है, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं करते हैं। कहने का मीन्स ये है, अगर इधर प्रेजेंट का है तो इधर पास्ट, प्रेजेंट है तो प्रेजेंट रहेगा, पास्ट है तो पास्ट रहेगा, फ्यूचर है तो फ्यूचर रहेगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके। सुरेश कहता है, तो इधर क्या प्रेजेंट है ना, प्रेजेंट टेंस है, कि वह एक पत्र लिख रहा है। तो हम इधर कर देंगे, सुरेश कहता है, सब्जेक्ट क्या हमारा? सुरेश, प्रेजेंट टेंस है सेज। अब जो कनेक्टर है ना के, तो इसके लिए हम यूज करते हैं कौन सी क्लॉज, यानी कौन से यहाँ पर कंजंक्शन यूज कर रहे हैं? दैट। ठीक है, हमें क्या कनेक्ट कर दिया, के लिए हम क्या यूज करते हैं? दैट। वह एक पत्र लिख रहा है, तो वह पहले तो देखते हैं टेंस कौन सा हमारा है, यानी प्रेजेंट का है। तो प्रेजेंट का टेंस हो, पास्ट का टेंस हो, फ्यूचर का हो, किसी का भी हो, वह टेंस उसी में रहेगा। कब? जब इधर वाला वाक्य हमारा किस में होता है? प्रिंसिपल क्लॉज हमारी किस में होती है? प्रेजेंट टेंस में। तो यहाँ पे देखते हैं हमारे पास सेंटेंस इतना होता है, इतना तो क्लियर हो गया। अब इधर करते हैं, वह एक पत्र लिखना ही, ठीक है ना, लिख रहा है, इज राइटिंग अ लेटर। भाई बार बार यहाँ पर क्लियर तो करवाऊँ, टेस्ट सेंटेंस तो आप लोगों के आते हैं, ट्वेल्थ क्लास के स्टूडेंट हो या फिर टेंथ क्लास के सभी को आते ही होंगी, तो यहाँ जल्दी से क्लियर करवा दे रही हूँ। तो यहाँ पे सेंटेंस क्या आपका? सुरेश कहता है कि वह पत्र, एक पत्र लिख रहा है। तो सुरेश कहता है, पहले इतना सेंटेंस करो, इधर हमें क्या करेक्टर लगा देना है? दैट है। इधर हमारे पास प्रेजेंट कंटिन्यूअस का बसता है, ही इज राइटिंग अ लेटर। अभी देखो दिखने में तो हमारा सेंटेंस बहुत बड़े से लग रहे हैं कि हम कैसे करेंगे, लेकिन जहां दिखने में बड़े से लग रहे हैं उसे तोड़ो भाई, इसके फैक्टर करो, क्योंकि अगर फैक्टर करोगे ना आप इजीली उसे कर सकते हो। सुरेश कहता है कि वह एक पत्र लिख रहा था, इसे तोड़ दो, एक सेंटेंस हमारे पास ये है, एक सेंटेंस हमारे पास ये है। अगर मैं तुम्हें अभी सेंटेंस देती, लिखना सेंटेंस, सुरेश कहता है, झट से कर देते। अगर मैं बोलूं वह एक पत्र लिख रहा था, तुरंत से भी कर दोगे, लेकिन ये आप लोगों को बड़ा लग रहा होगा, क्यों? क्योंकि साथ में दे दिया है भाई, साथ में तो दे दिया, लेकिन उसने कनेक्टर भी तो दिया है ऐड करने के लिए, इससे बस ऐड कर दो सेंटेंस अपने, कर दो। देखो सुरेश कहता है, इधर टेंस क्या हमारा? प्रेजेंट का है, और इधर टेंस कौन सा हमारा? पास्ट का है। तो इधर अगर टेंस हमारा पास्ट का है तो टेंस रहेगा हमारा पास्ट में ही, पास्ट का कोई सा विभाग हो, जैसा है वो वैसा का वैसा ही रहेगा। सुरेश सेज दैट ही वाज राइटिंग अ लेटर। सुरेश कहता है कि वह एक पत्र लिखेगा, सुरेश कहता है कि वह एक पत्र लिखेगा, सुरेश, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, कहता है सेज, कनेक्टर हमने क्या लगा दिया है यहाँ पर, कंजंक्शन कौन सी के लिए हम क्या यूज कर दिया? दैट। वह एक पत्र लिखेगा, टेंस अपना कर दो, ही विल राइट अ लेटर। सिंपल है, प्रेजेंट का यानी फ्यूचर का सिंपल सेंटेंस है, कर ही दोगे।
तो ये तो था हमारा फर्स्ट रूल। फर्स्ट रूल क्या था, एक बार फिर से रिवाइज कर लो। यदि हमारे प्रिंसिपल क्लॉज किस में है, प्रेजेंट टेंस में हो, तो सबऑर्डिनेट क्लॉज जिस भी टेंस में रहती है उसी में बनी रहती है, हमें उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं करना होता। किस में? प्रिंसिपल क्लॉज के वर्ब में, यानी टेंस में, ठीक है ना। अब सेकेंड रूल आता है हमारा ये, देखो सेकंड रूल मैंने कोई नहीं लिखे हैं, सारे के सारे एग्जांपल लिख दिए हैं, ठीक है। रूल मैंने क्यों नहीं लिखे हैं, क्योंकि मैं चाहती हूँ आप लोग, अगर मैं रूल लिख दूंगी ना आप लोग रटोगे, और मैं नहीं चाहती कि आप लोग रटो, क्योंकि रटने वाली विद्या कभी हमें फलती नहीं है। तो यहाँ पर रूल ना अपने आप बनाओ। तो हमारा रूल जो सेकेंड है वो ये है कि यदि प्रिंसिपल क्लॉज हमारे फ्यूचर में हो, कौन से टेंस में हो, फ्यूचर में, जिस तरीके से अभी इधर क्या थी हमारी पास्ट में थी ना, सॉरी प्रेजेंट में थी, तो इधर वैसे ही अगर फ्यूचर टेंस की हो वर्ब हमारे प्रिंसिपल क्लॉज, तो सबऑर्डिनेट क्लॉज में कोई भी परिवर्तन नहीं करते हैं। देखो अगर मैंने यहाँ तो दो रूल बना दिए, लेकिन आप इसे एक रूल में भी एडजस्ट कर सकते हो। वो रूल कैसे बन जाएगा, यदि प्रिंसिपल क्लॉज हमारे प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो, तो सबऑर्डिनेट क्लॉज के वर्ब में कोई भी परिवर्तन नहीं करते हैं। देखते हैं यहाँ पे, मोहन कहेगा कि उसका भाई वकील है, तो कितने क्लॉज हो इसमें, एक तो मोहन कहेगा, दूसरा किससे इसने कनेक्ट किया है, किसे, उसका भाई वकील है, तो उसका भाई वकील, अगर इतना बोल कर दोगे हिज ब्रदर इज अ लॉयर, लेकिन यहाँ पे इतना दे दिया, कठिन सा लग रहा है, लेकिन करके तो देखो कोशिश। मोहन कहेगा, मोहन भाई गागी की टेंस हमारा है, फ्यूचर का है, इंडेफिनिट का है, तो फ्यूचर का हम क्या लगाएंगे, विल एस एल, तो मोहन के साथ हमने क्या यूज कर दिया, विल से। अब क्या कनेक्टर हम क्या लगा देना है, दैट, कि क्यों लगाना, क्योंकि के लिए हम क्या लगाना है, दैट, उसका भाई वकील है, हिज ब्रदर इज अ लॉयर। सेकंड हमारे पास सरला कहेगी कि वह चेन्नई में रहती थी, तो देखो हमें इधर कोई फर्क नहीं पड़ता इधर हमारा टेंस कौन सा है, हमें बस इधर ये देखना है इधर कौन सा है। अगर इधर प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो हमें इधर का टेंस जैसा है हमें वैसा का वैसा ही कर देना, चाहे प्रेजेंट में हो, फ्यूचर में हो, या फिर हमारे पास्ट में हो। सरला कहेगी, क्या हमारा फ्यूचर है, तो सरला विल से कि वह चेन्नई में रहती है, इसलिए हम क्या कनेक्ट लगा दिया, दैट, वह चेन्नई में रहती है, सी, अब इधर सी रहती थी, तो इधर क्या है हमारा, देखो पास्ट इंडेफिनिट है, तो पास्ट इंडेफिनिट है, तो हमें क्या, पास्ट इंडेफिनिट में हमने क्या सेकंड फॉर्म लगा दिया, अफर्मेटिव है, तो हमने क्या किया है, सी लिव्ड इन चेन्नई। क्लियर ना, यानी हमारे कितने पॉइंट क्लियर हो गए, दो रूल क्लियर हो गए, कौन कौन से, एक तो ये प्रेजेंट वाला, दूसरा कौन सा, फ्यूचर वाला, कि यदि हमारी वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होती है तो हम प्रिंसिपल क्लॉज वाली जो वर्ब किसमें होती है, प्रेजेंट या फ्यूचर में होती है, तो सबऑर्डिनेट क्लॉज वाली वर्ब में कोई भी परिवर्तन नहीं करते हैं, ठीक है। अब पढ़ते हैं हम अपने अगले रूल की तरफ।